उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान नगर निगम ने शुरू कर दिया है और इस अभियान में आवारा पशुओं को पकड़ने का कार्य बड़े स्तर पर देखा जा सकता है। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ये कार्य शहर के सभी वार्डो में किया जा रहा है। मुरादाबाद में नगर निगम द्वारा आवारा पशु जैसे गाय और सांड को पकड़ने का अभियान चलाया गया। ये अभियान मुरादाबाद के गुलाबबाड़ी इंचार्ज गोदाम सुपरवाइजर सुनील कुमार गुर्जर और गोदाम सुपरवाइजर महेंद्र सिंह उर्फ अप्पे की देखरेख में आज सुबह करीब 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलाया गया, जिसमें आज पीतल बस्ती से 3 गाय और 2 सांड को पकड़ा गया। जब हमारी टीम ने गोदाम सुपरवाइजर महेंद्र सिंह उर्फ अप्पे से बात की तो उन्होंने बताया कि पीतल नगरी से सूचना मिल रही थी कि आवारा पशु कई लोगों को घायल कर चुके हैं, इसीलिए आज नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर हमने ये अभियान चलाया और जितने भी आवारा पशु थे उन्हें पकड़ कर कैटल कैचर वाहन से काना गौशाला में भिजवाया गया। अच्छा, जो आज आवारा पशु पकड़े गए हैं, कितने पकड़े, कहाँ से पकड़े हैं, कितने हैं? ये पीतल बस्ती से 3 आवारा गाय पकड़ी हैं और 2 बिजार, जो जनता की बेहद मांग पर जनता के लोगों को यहीं कहीं कई लोगों को उन्होंने घायल कर दिया और जनता की बेहद मांग पर और फरमाइश पर उनको आवारा पशुओं को आज बंद करवा करके काना गौशाला भिजवाया गया है। तो कितना समय लगा और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? इसमें हमें पूरे 1.5 घंटा लगा हमें इनको पकड़वाने के लिए। कौन सा वाला वाहन गया था? बड़ा वाला काना गौशाला से आया था, उससे पकड़वाए हम। तो आगे भी ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं? हाँ, जहाँ से भी कंप्लेन आएगी पब्लिक की और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। अच्छा, जो गाय पकड़ी गई हैं क्या उन्हें छोड़ दिया जाएगा या चेतावनी दे के या कुछ है? नहीं, जो शासन का रूल रेगुलेशन है उसके अंतर्गत वो पहले काना गौशालों में रहेंगी और उनका खाना वाना चारा वारा और उपचार किया जाएगा और जो उनके मालिक पहुँचेंगे उनको दिए जाएगी। फिर उनको चेतावनी के बाहर आवारा की तरह ना घूमे वो, तब उनको छोड़ा जाएगा।